हेलो एंड ग्रेट वेलकम। मैं हूँ एजुकेटर कविता। बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी जो 22 भाषाएं हैं, किस तरह से आप इसको इजीली लर्न कर सकते हैं। क्या जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो क्या उस टाइम इतनी ही भाषाएं थी, 22 भाषाएं थी? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी जो भाषाएं हैं ये किस शेड्यूल में आती हैं। तो 8वीं अनुसूची के अंदर आती है हमारी भाषाएं, और अब करंटली वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम 14 भाषाएं थी। यानी हम कह सकते हैं कि राजभाषाएं थी, ऑफिशियल लैंग्वेज हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑफिशियल लैंग्वेज होती क्या है, राजभाषा क्या होती है, मतलब सरकारी कामकाज के अंदर जो भी भाषा यूज होगी या सरकारी कामकाज जिस भी लैंग्वेज में किए जाएंगे उसे हम बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सबसे पहले ये 22 बनी कैसे? पहले 14 थी, देन इसके बाद एक भाषा ऐड की गई जो कि सिंधी है। सिंधी भाषा जो है ये सिंध प्रदेश में मेनली बोली जाती थी, और इसको ऐड किया गया। यहाँ पर था 21वां संविधान संशोधन। 21वें संविधान संशोधन के अंदर सिंधी आती है, और कुछ आप देख भी सकते हैं र, और इस तरह से सिंधी की जो फॉर्मेशन हो रही है वो सेम है दोनों में। और यहाँ पर 1967 के अंदर ऐसा हुआ था। देन उसके बाद तीन और भाषाएं ऐड की गई, और ये भाषाएं कौन सी थी? एक विदेशी यानी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। इसको आप ट्रिक से लर्न कर सकते हैं। नमक, नमक जो हम यूज करते हैं, हमारा जो कॉमन सोल्ट होता है NaCl, न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। या एक और ट्रिक है ना ना विदेशी, और ये विदेशी भाषा कौन सी है? ये विदेशी भाषा है नेपाली भाषा। ना से हो जाएगा मणिपुरी यानी जो मणिपुर में बोली जाती है, और एक हो जाएगा कोंकणी जो कि गोवा वाले स्टेट में बोली जाती है। तो इट मीन्स ये जो थ्री है या ये भाषाएं क्लियर हो गई। देन इसके बाद चार और भाषाएं ऐड की गई जो है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। दो तीन बार आप इसको सीक्वेंस में लर्न करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप एक गाने की वे में भी याद कर सकते हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको भी कैसे करेंगे? सबसे पहले बोडो, तो बोडो हो गया, ड है यहाँ पर, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं डोगरी में। देन मैथिली, मैथिली और संथाली लास्ट में थोड़ा सेम है, मैथिली थाली थाली वाला जो वर्ड है वो सेम है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसको लर्न करने की एक और ट्रिक है DBMS, जो कि आप कंप्यूटर में यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है। तो यहाँ से D से हो जाएगा डोगरी, B से हो जाएगा बोडो, M से हो जाएगा मैथिली, और S से हो जाएगा सिंथाली। तो यहां पर तीन भाषाएं जो ऐड की गई थी, ये था 71वां संविधान संशोधन, और इसके साथ साथ जो चार भाषाएं ऐड की गई थी ये था 92वां संविधान संशोधन। अगर आप 21 में 71 ऐड करेंगे तब भी कितने हो गए? 92 हो गए, वहां से भी याद कर सकते हैं। और यहां पर देखिए एक और ट्रिक मैंने लिखी हुई है कि 1 + 3, एक में तीन जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा। तो यानी सबसे पहले 14 भाषाओं के बाद 15वीं भाषा जो जुड़ती है वो सिंधी थी। तीन भाषाएं जो जुड़ती हैं वो नमक वाला आप याद कर सकते हैं, यानी न से नेपाली और म से मणिपुरी, क से कोंकणी। देन चार भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, या हम कह सकते हैं डी से हो जाएगा डोगरी, बी से हो जाएगा बोडो, एम से हो जाएगा मैथिली, एस से संथाली। तो यहां से भी लर्न हो जाएंगे, और ये काफी आसान है जब आप इन भाषाओं को इस तरह से लर्न करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखी है 14 भाषाएं जो कि सबसे पहले ऐड की गई वो कौन सी थी, ये अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में भी याद कर सकते हैं आप। ए से हो जाएगा असमिया, असम में बोले जाने वाली भाषा है असमिया। बी से बांग्ला, ए से असमिया, बी से बांग्ला।
देन सी डी ई एफ से नहीं है, देन आप जी पे शिफ्ट करेंगे, जी से है गुजराती। और आपने अमिताभ बच्चन जी की एक एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी, कुछ दिन तो पधारो गुजरात में, तो वहां से जी से हो जाएगा गुजराती, और एच से हिंदी। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया 14 सितंबर 1949 को, और इसीलिए 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस भी बनाते हैं। तो ये एक और पॉइंट, एक्स्ट्रा फैक्ट आपका ऐड हो गया यहाँ पर। उसके बाद क से कन्नड़, क से कश्मीर, यानी कन्नड़ कश्मीरी, तो आप इनको कोरिलेट कर सकते हैं, कन्नड़ कश्मीरी। फिर एम से मराठी, यानी जो महाराष्ट्र में बोली जाती है। देन एम से मलयालम, म से शुरू म से खत्म, तो ये कहाँ पे बोली जाती है? मलयालम लैंग्वेज आपकी रहेगी केरला में, जहां पर लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, और जहां पर सबसे ज्यादा हम कह सकते हैं साक्षरता है, सबसे अच्छा सिस्टम है। और ओ से हो जाएगा ओरिया, पहले इसको ओरिया उड़िया बोलते थे, फिर ओरिया, रिया है, रिया नाम की लड़की है, तो ओरिया। पी से पंजाबी लैंग्वेज हो जाएगी, यानी जो पंजाब में बोली जाती है। एस से संस्कृत, जो कि हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं वेदों की भाषा संस्कृत है, जितनी भी हमारी भाषाएं रही उनकी जननी है संस्कृत। तो टी से हो जाएगा तमिल, जो कि तमिलनाडु में बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर, तो वहां से कोरिलेट हो जाएगा। और इसके साथ आंध्र प्रदेश वो स्टेट जो इंडिया में सबसे पहले बना था, ए से आंध्र प्रदेश, और ए से हो जाएगा आपका मतलब यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और सबसे पहला बनने वाला स्टेट भी यही था। तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना में बोली जाती है, यू से हो गई उर्दू। तो ये हमने 14 भाषाएं वो की हैं जो कि सबसे पहले संविधान में शामिल की गई। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, सबसे पहले 14 भाषाएं आई, फिर एक सिंधी को ऐड किया गया, फिर 3 भाषाएं कौन सी थी? नमक से आप याद कर सकते हैं, नेपाली है, म से मणिपुरी है, क से कोंकणी है। देन 4 भाषाएं कौन सी हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल, और मेरी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।